2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी के सामने बेहतर प्रदर्शन करने की कठिन चुनौती है। नीतीश बाबू ने जब से बीजेपी को सत्ता से बाहर का दरवाजा दिखाया है, तभी से बीजेपी आलाकमान बिहार में लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को लेकर तनाव में नजर आ रहे हैं। वैसे तो बिहार की हर लोकसभा सीट पर बीजेपी को लोहे के चने चबाने होंगे, लेकिन 10 लोकसभा सीट ऐसी है जहां बीजेपी को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी की सेंट्रल टीम ने इस 10 सीटों की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। किशनगंज, वैशाली, पूर्णिया, नवादा, वाल्मीकि नगर और कटिहार को बीजेपी ने सबसे टफ सीट माना है। वहीं गया, सुपौल, झंझारपुर और मुंगेर लोकसभा सीट को भी बीजेपी आलाकमान टफ सीट मानकर चल रही है। बीजेपी आलाकमान ने इन 10 सीटों पर राज्य इकाई को अलग से प्लान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इन 10 सीटों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई जा चुकी है। साथ ही बीजेपी का संगठन इन 10 सीटों पर कार्यकर्ताओं को चुनाव से संबंधित ट्रेनिंग भी दे रहा है। बीजेपी ने बिहार की 10 लोकसभा सीटों को रेड जोन में रखा है और इन लोकसभा सीटों पर बीजेपी का संगठन खास तौर पर मेहनत कर रहा है। इन सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सहयोगी दलों को जीत हासिल हुई थी। बीजेपी ने इन कमजोर सीटों के लिए खास प्लान बनाया है। हर लोकसभा सीट पर बीजेपी ने 7 विस्तारकों को तैनाती दी है। इनमें से 1 विस्तारक पूरे क्षेत्र के प्रभारी होंगे, वहीं 6 अन्य विस्तारक संबंधित लोकसभा के तहत आने वाली विधानसभा सीटों पर काम करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के बड़े नेताओं ने बूथ लेवल पर पन्ना प्रमुखों को तैनात किया। इनको बूथ से लेकर मंडल स्तर तक जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी के नेता चाहे कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लें, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव की जोड़ी के सामने उन्हें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी के बड़े नेता ये जानते हैं कि वो अकेले के दम पर महागठबंधन को टक्कर नहीं दे सकते और इसीलिए उन्होंने चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को अपने साथ जोड़ा है। लेकिन मांझी और कुशवाहा के पास कोई बड़ा वोट बैंक नहीं है, केवल चिराग पासवान अपने दम पर 5-6% वोट का जुगाड़ बीजेपी के लिए कर सकते हैं। हालांकि इन 10 लोकसभा सीट पर बीजेपी की तैयारी का क्या नतीजा निकलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।